इश्क हुंदा तां तैनू भुला दिंदे जिंद, पर तू रूह बन गई है, दस उसका की करिए। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त सरबजीत सिंह ढक, ते जे तुसी हुण कुछ अच्छा देखण जा रहे हो तो तुहानू पता है तुसी की देखण जा रहे हो, थोड़ा अपना प्रोग्राम जिसका नाम है वाह जी वाह। दोस्तों तुहानू याद होगा कि मैं इसी प्रोग्राम विच कुछ हफ्ते पहला एक कहानी सुनाई सी, जिहड़ी कहानी सी विश्वास ते, एक कुड़ी मुंडे दे प्यार दी कहानी सी, और मैं थोड़ा उदा थोड़ा जिहा रीकैप सुना दिंदा ताकि जिहड़ी अज दी कहानी है तुहानू उहदे नाल अटैच करेगी। फिर सो पिछली कहानी च इह सीगा कि एक कुड़ी मुंडे नूं प्यार हुंदा ते ओह एक दूसरे नाल कई वादे करदे आ, गुरद्वारे जाके भी उहनां दे कई वादे हुंदे आ, पर अचानक कुड़ी उहनूं छड़ के मुंडे नूं छड़ के चली जांदी आ ते मुंडा बहुत डिप्रैशन च आ जांदा, ते जदों डिप्रैशन च आंदा होस्पिटलाइज भी हुंदा, पर उत्थे उहनूं एक बजुर्ग आदमी मिलदा उहदे नाल दे बैड ते, जिहड़ा बार बार एक तस्वीर देखदा रहिंदा हुंदा सीगा। तो इस मुंडे ने पुछया भी तुसीं किहड़ी किहदी तस्वीर देखदे हो, तो उस बुजुर्ग इंसान ने कहा कि मैं इह तस्वीर अपनी एक्स वाइफ की देख रहा जिहड़ी मैनूं 40 साल पहला छड़ के चली गई सी, लेकिन मैनूं अज भी विश्वास है कि वह मुड़ वापस मेरे कोल आएगी। इस कहानी दे असर उस मुंडे ते काफ़ी होया, उन्हें भी अपनी जिंदगी नूं दुबारा जीना शुरू किया, पर वह भी इस विश्वास नाल कि शायद उसका प्यार भी किसी ना किसी दिन उहदे कोल वापस आएगा। सो यह विश्वास लैके वह जी रहा। कुदरती एक कहानी का जिहड़ा अगला पार्ट सी अज जिहड़ा तुहानूं सुनाउण जा रहा, उन्हें मैनूं भेजिया, वह सी भी जदों अपनी जिंदगी हौली हौली जीण लग पिया, सब कुछ उहनूं मतलब नॉर्मल करन की कोशिश कर रहा सीगा, पर वह उस कुड़ी नूं नहीं भुल सकिया क्योंकि उहनूं अज भी विश्वास है कि शायद वह कुड़ी उहदे नाल उहदी जिंदगी च वापस फिर भी आएगी। उहनूं पता सी भी वह की खाँदी है, उहनूं की पसंद है, की पहनना पसंद है, ते वह कहिंदा एक दिन उहने खाणा बना के अपने हत्थी खाणा बना के जाके उहदे घर दे मूहरे रखिया आ, उहदी डोर दे मूहरे, ते उहनूं इह उम्मीद सी भी शायद वह इह क्योंकि उहनूं खाणा पसंद सी भी शायद चक के उह खा लवे, पर जदों ने देखिया कि उस कुड़ी ने वो खाना चक के बाहर सिटता, बड़ा मैं मायूस होया, आके वापस घर आ गया। जिदा वो डिप्रैशन से ही ऑलरेडी है ही है, पर हौली हौली अपने आप कोशिश कर रहा है डिप्रैशन तो कढ़ने की, पर फिर एक बार जदों इन्हें वही देखिया तो उन्होंने बड़ा दुख होया। मैं उन्होंने कहा बकायदा भी अगर तैनू लगता है भी हाँ अगर वह कुड़ी तैनू नहीं पसंद करती भी तू छड़ दे उन्हें उन्हें भूल जा, पर वह कहिंदा नहीं मेरी वफा सच्ची है, मैं प्यार सच्चा करदा, हो सकता उहदी कोई मजबूरी होवे जो ये इस तरह कर रही है, पर जब तक मैं पता नहीं लगता भी गल की है, मेरे ना क्यों गल करनी छड़ी, मैं तो दूर नहीं, ना मैं दूर होना तो ना हो सकता। मैं कहा तू अपना हास जिंदगी जी जिस तरह भी होंगी है। कहिंदा नहीं, कहिंदा हसता लईदा, उन्हें मैंने गल शेर च कही, कहिंदा हसता लईदा दुनिया अगे क्योंकि मजबूरी है, वरना कवरां जही खामोशी दिलां नूं चीरदी है। सो दोस्तों एक पासे तुसीं देखिया मुंडा वफा निभा रहा है, पर असीं ये भी नहीं कह सकते भी कुड़ी बेवफा है या उहदी बेवफाई कर रही है, हो सकता उहदी कोई मजबूरी होवे जो वह कह रहा है मुंडा। सो देखते हैं कि उन्हों का जिहड़ा प्यार है मुंडे की वफा जितती है या कुड़ी की बेवफाई, मुंडे का प्यार उन्होंने वापस मिलता कि नहीं। अगर मैंने ये पता लग्या मैं किसी ना किसी प्रोग्राम फिर थोड़े रूबरू जरूर होवांगा इस कहानी को लैके, पर कहिंदे ने सच्चे प्यार करने वाले नूं उन्हां दी मंजिल मिल ही जाती है। सो दोस्तों एक कहानी दसदी है कि जे किसी नूं तुसीं प्यार करो तो दिलों करो तो रब थोड़ी जरूर सुनेगा, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि वो थोड़े रूबरू जरूर होएगा। सो दोस्तों ये अज की कहानी, हुण आप करना प्रोग्राम का आगाज़, जिस तरह थानू सारे पता है कि अपना जिहड़ा प्रोग्राम है अज का असी रख्या है वफा ते बेवफाई, जिहड़ी मैं थानू कहानी भी सुनाई है उहदे नाल, और साडे नाल अज स्टूडियो च मौजूद ने साडे बहुत ही प्यारे ते बहुत वधिया ते होनहार राइटर ते सिंगर, ये लिखते भी बहुत वधिया ने ते गांदे भी बहुत वधिया ने। मेरी मुराद है साडे प्यारे राइटर ते कवि और सिंगर आर के रमी जी। रमी जी थोड़ा बहुत बहुत स्वागत साडे प्रोग्राम वाह जी वाह। सब जी पहले थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया ते तुसी मैनू इत्थे सद्या, ते मैं इस वेले जिन्ने भी इस वेले के टी वी दे दर्शक उन्हां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल कहना, ते यही उम्मीद करदा कि जिहड़ा प्रोग्राम जिहड़ा तुसी हमेशा ही तरह जिहड़ा तुसी करदे हो वफा ते बेवफा ते जिहड़ा जिहड़ा टॉपिक रख्या उहदे उत्ते आपां जिहड़ी गल्लां पता करिए कुछ वधिया करिए। रमी जी गल उही है ना भी आपां सिर्फ वफा ते बेवफाई नूं आपां देखदे हां, इक कुड़ी ने मुंडे ने वफाई कीती या वफा बेवफाई कीती, लेकिन कल्ली इह नहीं हुंदा
क्योंकि जिंदगी जिंदगी भी बेवफा होंदी है। हाँ जी ठीक है, थोड़े उत्थे जिंदगी थानू कहिंदे एकदम धोखा दे जांदी है, वह बेवफाई हो जाती है। हाँ दोस्त मित्र थानू वफा भी करते हैं। हाँ कल्ला कुड़ी च नहीं आपां देखदे वी कुड़ी या मुंडे च बेवफाई या वफाई होंदी है, एक जिंदगी दे कई हिस्सों च बेवफाई या वफा होंदी है। हाँ जी तुसीं अपने पार्टनर नाल जा रहे हो, वफा कर रहे हो, वह वफा हो गई। हाँ जी है ना, इस तरह कई कई मोड़ होंगे, आपां सिर्फ एक नजरिए नाल नहीं देखना, सिक्के दे दोए पहलू होंदे आ। हाँ जी हाँ जी तां आपां उस हिसाब नाल देखना, पर आपां इह गल्लां करांगे जरूर जिहदा तुसीं कहा वी वफा ते बेवफा च। पर पहला थो तो शुरू कर दें। हाँ जी भाई तुम पहला अपने दसो कि पिछोकड़ की थोड़ा कितों हो तुम? पिछोकड़ आपां पंजाब तो जिदा बॉर्न पंजाब दे विच होए आ। ओके ते उस तो बाद इत्थे आए आ। तुसी क्या बॉर्न पंजाब च ब्रॉट अप इत्थे होए आ? हाँ जी हाँ जी। कितने एक साल हो गए तुहानू इत्थे आए? कहिंदे ओह साडी जन्म भूमि आ, इह मेरी करम भूमि आ जी। वाकई कितने एक साल हो गए तुहानू इस करम भूमि ते आए? करम भूमि ते आके अबाउट 30 ईयर्स हो गया। ओह इट्स लॉन्ग टाइम है ना, काफी लंबा वरे हो गया तुहानू इत्थे आए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ते फिर जिहड़ा इह एक रमी ना रख्या, आर के रमी, वैसे थोड़ा पूरा ना की है, असली नाम? मेरा असली नाम राजेश कुमार है। अच्छा राजेश कुमार। हाँ जी। वो किसने कहने ना कलाकार नु हुंदा शौक भी पिछे असी अपना कोई ना रख दिए, दुर्गा रंगीला हो गया है ना, या आप कह दिए भी जैजी बैंस हो गया, वो बैंस पिंड दे सी तो उन्होंने जैजी बैंस रखा था। सो तुसी आर के रमी रख्या, इहदा की कारण सी? मेरी कंपनी आ जिहड़ी कंपनी सी जिदा मतलब कि असी जिस काम विच जदों थानू पता कि जदों नवें नवें तो आपां आईदा हैगा आ ते थानू पता कि हरेक नूं हुंदा कि चलो कोई ना यार अपना पहलो सैटल होईए। हाँ जी। सो उस वेले जदों सैटल होण दे चक्कर दे विच ना अचानक ही जिहड़े असी बिजनेस प्लान उत्ते ना लिखणा सीगा। ओके। क्योंकि जो बिजनेस प्लान बना रहे थे ना। हाँ जी हाँ जी। ते सानू पता नहीं सीगा 14 दिन का कोर्स सीगा, असी उत्थे बिजनेस प्लान बनाने लग पाए। ओके। ना असी कुछ रखिया नहीं। ओके। अचानक ही उन्होंने कहा जी तुसी ना रखो। सो मेरे लड़के का ना है रमन। ओके। ते उहनू असी प्यार नाल रमी कहने आ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰਮੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬ੍ਰਹਮੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ ਰਮੀ ਨੂੰ ਰਮੀ ਐਂਡ ਰਮੀ ਬ੍ਰਹਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਰਮੀ ਬ੍ਰਹਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰ ਕੇ ਰਮੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਮੀ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਅੱਛਾ ਰਮੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਮੀ ਹੀ ਸੱਦਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈਆਂ? ਦੇਖੋ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਬਾਥਰੂਮ ਸਿੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਈ ਪਬਲਿਕ ਸਿੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਜੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਫਾ ਅਤੇ ਵਫਾ ਬੇਵਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਫਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਪਿਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਫਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੋਰਗੇਜਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਓਕੇ ਆ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੇਵਫਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਵਫਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਰਮਾਨ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਹਾਭਾਰਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਹਾਭਾਰਤ ਉਹ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਸਲੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਗਿੰਗ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਫਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਰਾਈਟ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵਫਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਾਕਈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀਣਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਪੀਣਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜੀਣਾ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬਾਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬਾਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਇਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਸੋਹਣੀਏ ਨਹੀਂ ਨੱਚਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਸੋਹਣੀਏ ਨਹੀਂ ਨੱਚਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਰਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਵਾਕਈ ਦਾ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਚੈਨੀ ਵੀ ਲਟਕਾ ਕੇ ਚੀਅਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਪੈਗ ਟਕਰਾ ਕੇ ਚੀਅਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਪੈਗ ਟਕਰਾ ਕੇ ਜਦ ਪੰਗੜੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਚੈਨੀਆਂ ਲਟਕਾ ਕੇ ਨਾ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਧਰਲੇ ਇਧਰਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਇਧਰਲੀ ਫਿਰ ਚੀਅਰਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਿੰਕ ਪੀਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਗਾਣਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੈਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਰਾਈਟ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੋ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਹੋਰ ਗਾਏ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਫਿਰ ਲੋਕ ਪੰਗੇ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਓਕੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਗੀਤ ਸੀ ਉਹ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਖਾਲਾ ਬੰਦਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਤੂੰ ਪਾਣਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਆਇਆ ਬੰਦਿਆ ਖਾਲੀ ਹੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੋ ਯਾਰਾ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੋ ਮਿੱਤਰਾ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਰਮੀ ਜੀ ਵਾਕਈ ਐਨ ਵਧੀਆ ਟਕਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੀ ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਕਰੋਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੰਮ ਤੇ ਗਾਣਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਜਿੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲੇ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰੇਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਾਣੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਡੀਅੰਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਡੀਅੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਏ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖੌਫ ਜਿਹਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਏ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖੌਫ ਜਿਹਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਡਰੋ ਨਾ ਡਰੋ ਨਾ ਡਰੋ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਡਰੋ ਨਾ ਡਰੋ ਨਾ ਡਰੋ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂਓ ਕਰਨੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂਓ ਕਰਨੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਨੱਕ ਕੰਨ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਤਰਨਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਰਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਗੱਲ ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਰੋਨੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਗਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦੂਰੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਲਿਆਤਾ ਇਸਨੇ ਕਰੋਨੇ ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰ ਵੀ ਲਿਆਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਘਰ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਧਿਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਤੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਫਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ
देखो जी जिहड़े आ जिहड़े गीत मैं तुहानूं गा के तुहानूं दस्से हैगे हाँ जी ये जिन्ने भी सारे मेरे खुद दे लिखे हुए है। क्या बात है। तो क्योंकि मैनू कुछ अलग लिखण की थोड़ी जी तमन्ना हुंदी है कि कुछ थोड़ा जिहा अलग लिखा जाए राइट क्योंकि हरेक का अपना अपना टेस्ट हुंदा हैगा जिहड़ा टेस्ट साडा हैगा असीं उंदा दे गाने तां लिख सकदे हैगे पर जे कोई भंगड़े वाले गाने जां कोई होर भी गीत आ उह मैं किसे कोल लिखवाउंदा हुंदा हां हमेशा ही ते क्योंकि उंदा दा फिर माहौल उन्होंने ज्यादा पता हुंदा कि केड़ा वधिया चलण वाला केड़ा नहीं हुंदा पर तुसीं आप भी लिख लैंदे आप भी लिख लैंदे हैगे। क्या बात है। होर तुसीं केड़े केड़े टॉपिक नूं टच करते हो जिद्दां तुसीं कहिंदे भी चलो तुसीं करोना भी कीता और भंगड़े वाले भी कीते कुछ वफा ते बेवफाई ते भी लिखिया। वफा ते बेवफाई दा हुण मैनूं लगदा लिखणा पैणा जी बड़ा सैड ये जिहड़ा टॉपिक हैगा ना ते क्योंकि वर्ड ये मैं लगता उर्दू वर्ड है वफा ते वफा हाँ जी कुछ इस तरह के क्योंकि आप जो फिल्मों देखते होंगे सके ना हाँ जी तो उन्होंने वर्ड बड़े यूज होंगे होंगे हाँ जी पर देखो अजकल जो गाने आते हैं जो भी गाने आए वो वफा कुड़ी मुंडे ते आए हैं। हाँ जी हाँ जी जे तुसीं मैं थोड़ा मतलब मैं एक एडवाइज ही कर सकता उदा तो मैं नहीं कह रहा उत्ते लिखो पर एक गीत ऐसा लिखो जो वफाई जिंदगी भी हो अपने रिश्ते वफा करनी चाहिए भरा ना हो चाहे अपनी मां ना हो चाहे अपने बच्चे ना हो वफा उत्थे भी करनी चाहिए है कोशिश करा जी थोड़ा जा कुछ डिफरेंट अलग लिखन की चलो शायद कोई बन जाए ऐसे अचानक कि लास्ट टाइम जो मैं कितने इंटरव्यू कर रहा तो वह कहते कहते भी अगे टाइम आ गया है जो लॉकडाउन का तो वो उत्ते कुछ लिखियो तो अचानक उदो भी एक हफ्ते रमन जी अपन कॉल आ गई आप कॉल ले लीए तो फिर आप गलबात जारी रखेंगे। हाँ जी सत श्रीकाल जी। ਨੌਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਮਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਦਿਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਔਕਾਤ ਨਕੰਮੀ ਕਜਲ ਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹ ਸੰਗ ਸੰਜੂਆਂ ਦੇ ਬਹਿ ਤੁਰਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਔਕਾਤ ਨਕੰਮੀ ਕਜਲ ਦੀ ਉਹ ਸੰਗ ਸੰਜੂਆਂ ਦੇ ਬਹਿ ਤੁਰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਣ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਦੱਸ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਤੇਜ ਕਟਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਵਿੰਦੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਟਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕਿੰਜ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਅਟਕਾ ਗਏ ਜੋ ਅਟਕਦੇ ਵਹਿਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕਿੰਜ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਅਟਕਾ ਗਏ ਜੋ ਅਟਕਦੇ ਵਹਿਣਾ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਲੜੂਏ ਜੈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਈ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਰੇਖਾ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਖਾਂਦਾ ਹੋਊ ਭੁਲੇਖੇ ਕਈ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਰੇਖਾ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਖਾਂਦਾ ਹੋਊ ਭੁਲੇਖੇ ਕਈ ਉਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧੁਰੋਂ ਪੱਲੇ ਪਈਆਂ ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਭਈ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਜੋ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਰੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੋ ਧਰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੇਖਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਟੂਏ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਤੇ ਜਿਉਣ ਮਰਨ ਦੇ ਕਰਵਾ ਦੇ ਬਟੂਏ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਜਿਉਣ ਮਰਨ ਦੇ ਕਰਵਾ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਕੀ ਰੱਖਣੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਲੰਕ ਮੱਥੇ ਦਾ ਧੋਣ ਲਈ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ
ਸਰਜੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਲੰਕ ਮੱਥੇ ਦਾ ਧੋਵਣ ਲਈ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀਆਂ ਵਾਜੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਧੂੰਦੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਈ ਸਬਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ, ਸਬਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਮੁੜ ਵਤਨਾ ਵੱਲ ਆਵੇ ਨਾ। ਤੇ ਔਂਸੀਆਂ ਪਾਪ ਹਾਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣੇ ਸੱਖਣੇ ਪਿਆਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਦ ਸਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਸਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮਛਲੀ ਦੇ ਤਾਈ ਪਾਣੀ ਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਠੁਕਰਾਇਆ ਹੈ ਦੌਲਤ ਲੱਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰ, ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰ, ਅੱਜ ਅੱਗ ਸਾਰੀ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰ, ਅੱਜ ਅੱਗ ਸਾਰੀ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਭੰਡਦੇ ਜਾਈਏ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘਟੀਆ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਛੱਤਰ ਭੋਗਲ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਆ ਸਰਜੀ ਤਖੀਲ ਲਵਾਂਦਿਆ ਕਰਤਾ ਦਾ, ਨਛੱਤਰ ਭੋਗਲ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਵਹਿੰਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਚੰਦ ਟਕਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਵਿਖ ਜਾਂਦੇ ਫੋਕੇ ਸਸਤੇ ਕਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਫੋਕੇ ਸਸਤੇ ਕਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਫੋਕੇ ਸਸਤੇ ਕਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਜੀ ਸਿੰਘ ਬਈ ਇੰਨਾ ਮੇਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜਾਨ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਅਧੂਰਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਅ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਵੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਨਛੱਤਰ ਭੋਗਲ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ, ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਆ ਪੂਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅੱਜ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਓ ਜੀ ਕਾਲ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਫੇਰ ਲਈ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿਆਲਾ ਬੰਗੜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬੇਵਫਾ ਜਾਂ ਵਫਾ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਨਛੱਤਰ ਭੋਗਲ ਜੀ ਬੋਲ ਗਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਬੇਵਫਾ ਬਾਲਮ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇਹ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਲਗੀ ਸੋਹਣੇ ਦਿਲਦਾਰਾ, ਕੀ ਸਮਝਾਂ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਦਾ ਫਤੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਾਅਦੇ ਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਤਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਇਧਰ ਤੇ ਕਦੇ ਉਧਰ, ਕਦੇ ਉਧਰ, ਕਿ ਇਹੋ ਅੱਖਾਂ ਬਰਖਰਦਾਰ ਹੈ ਵਫਾਦਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬੇਵਫਾ ਦੀ ਰੁਖੀ ਦਾ ਕੀ ਗਿਲਾ, ਜਦ ਵਫਾਈ ਕਾਮਨਾ ਰਾਹੀ ਰਹੀ ਰਤਾ ਵੀ ਭਲਾ, ਅਖੇ ਬੇਵਫਾ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਕੀ ਗਿਲਾ, ਜਦ ਵਫਾਈ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹੀ ਰਤਾ ਵੀ ਭਲਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਠਹਿਰਨਾ ਇੱਕ ਪਲ, ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਲ, ਇਸ ਨਗਰੀ ਚ ਔਰ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਜੀ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਤੈ ਅੱਧ ਬਾਟੇ ਕਮਲੀ ਕਰ ਅੱਧੋ ਰਾਣੀ, ਤੈ ਕਦੇ ਪੁਲਕੇ ਵੀ ਦਿਲ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਨਾ ਦੇਂਦੀ, ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਓਗੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿਧਰੇ ਹੁਦਰੇ ਪੈਂਡੇ ਪੈ ਕੇ, ਇੱਧਰ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਔਰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਮਾਰਾ। ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਟੂੰਡਣ ਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਭਰੋਸਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਸਪਨ ਖਿੱਚਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਝੁਲਸਿਆ ਖਾਕ ਬਣ ਇਉਂ, ਝੁਲਸਦੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਝੁਲਸਿਆ ਬਣ ਰਾਖ ਜਿਉਂ, ਬੇਸ਼ਾ ਚ ਤਨ ਨੇਰਾ ਮਰੀਅਲ ਖਾਕ ਜਿਉਂ, ਵਾਹ ਕੈਸਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚ ਗਿਆ ਉਹ ਬਣਜ਼ਾਰਾ, ਉਹ ਬਣਜ਼ਾਰਾ, ਉਹ ਬਣਜ਼ਾਰਾ। ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਹੁਣ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਬਣ ਕੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾ ਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਾ ਮੈਂ, ਜੇ ਪਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਲਾ ਮੈਂ, ਜੇ ਪਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਲਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂ ਮਨ ਢੂੰਡਦਾ
किधरे फिरे कोई बचिया अंबरी तिमकदा ओ सुनहरी तारा प्यारे की होया जे जफा बन गई जिंदगी दी रात पर आस निबड़े ना हो सदी भी बेआस असा रजा च राजी रहना सिख लिया सरजी जी असा रजा च राजी रहना सिख लिया हस हस के जुल्म सहना सिख लिया बस इयो वरदान है साडा ईमान है सिद्क सत्यार हमारा सहारा पर ये कुताही नहीं किसे नाल भी तू नवाही नहीं दिल लगी सोने मेरे सोने दिलदारा की समझा तेरी आदत फतूर है जा कसूर है तेरी फितरत दा सारा क्या बात है पंगर साहब बहुत वधिया लिखिया तुसी जदों एक गल कर रहे से ना भी एतबार तोड़ देंदे है लोग मैंने एक चंद लाइना किसी शायर दी याद आ गई कहते दुनिया में कहां वफा का सिला देते हैं लोग दुनिया में कहां वफा का सिला देते हैं लोग अब तो मोहब्बत की सजा देते हैं लोग पहले जगाते हैं दिलों में मोहब्बत का ख्वाब फिर एतवार को आग लगा देते हैं लोग जो भी आंदे आ वाकई कमाल करके जांदे आ चलो आपां वफा दी गल कर रहे सीगे तुसीं की सोचदे हो वफा लई वफा तो बेवफाई पहले तो यह देखना कि प्यार ना रिलेटेड है या फाइनेंस अजकल फाइनैशियल तौर के उत्ते भी लोग जेब खाली हुई मैं बाकी थोड़ी गल तो सहमत हाँ कि इतने भी पैसे भी हम फाइनैशियल तौर पर बेवफाई हो गई है हाँ जी हाँ जी है ना तो क्योंकि वफा दो तरीके होंगी होंगी एक जो प्यार कमी रह जाए या फिर पैसे की कमी रह जाए सो उ फिर बे है ना क्योंकि किसी वेले दो पार्टनर होंगे है पर पता गल की है जिदा कहते पैसे की कमी पर जो पैसा देख के प्यार किया प्यार नहीं है नहीं नहीं मैं क्या जिंदा अजकल बिजनेस करते हैं वो फाइनैशियल तौर पर गल कर क्योंकि बिजनेस करते दो पार्टनर होंगे है पर किसी वेले पैसा ही इन्ना घट जाता फिर उत्थे बेवफाई कट्ठे होंगे भी आप कट्ठे ने बिजनेस करना वाकई रमी जी अज लगता कॉलों का जरा बस लाइन लगी पई है आप ले लें कॉल फिर गल शुरू कर दें हेलो सत श्रीकाल जी हाँ जी सत श्रीकाल डॉक्टर साहब मैं भविंदर सगू बोलता जी वुलवरहैम्पटन सगू जी जी आया नू जी आया नू ते थोड़ा प्रोग्राम बहुत बढ़िया और आज दे मेहमान नू मेरे वालों प्यार भरी सत श्रीकाल सत श्रीकाल जी मेरे वालों थोन हाँ जी सगू साहब किस तरह पहले तुम दसो किस तरह ठीक हो घर मैं बिलकुल तंदुरुस्त हाँ क्या बात है फिर ये किया भी चलो सानू अज एक छोटा जा शेर तरन्नम दे विच गज़ल सुनाने वाकई ऐसी मैं थानू कहने लगा सी भी तरन्नम च सुनायो क्योंकि थोड़ी आवाज सुन के साडा दिल ना खुश हो जांदा ते सारे मैं चाहना सारे दर्शक भी ओ सुन के बागो बाग हो जान ठीक है जी मैं पहला शेर एक थानू सुनाना इरशाद जी वफा और बेवफा बारे है किन्ना जोर परखण दे ते पटकण दे हवा अंदर है किन्ना जोर परखण दे ते पटकण दे हवा अंदर जरा सोचा दे पंछी नू तू उड़न दे खला अंदर तू सुके टोबिया चो पालदा फिरदा ए क्यों पानी वफा नू पालदा फिरदा ए क्यों बेवफा अंदर क्या बात है हां जी तो एक मैं गजल थोड़े कुछ शेर मैं थोनू तरन्नम च सुना दिना इरशाद जी तेरा दिल पौड़ा दा मंदर पत्थर दी दीवार नहीं तेरा दिल पौड़ा दा मंदर पत्थर दी दीवार नहीं क्या बात सुची सूही किरना वाली मोहदी टुटनी तार नहीं ये वफा दी गल है हाँ जी सुची सूही किरना वाली मोहदी टुटनी तार नहीं मंजल दे रस्ते विच फाइया लाइया फेर शरीकाने मंजल दे रस्ते विच फाइया लाइया फेर शरीकाने डर के पिछे परत गया जे
सजना ने कहना प्यार नहीं, डर के पीछे परत गया जे सजना ने कहना प्यार नहीं। भुखे अते गुलामां दे कद ऊने सदा ही रहिंदे ने, जो विधवा दे बालक दा करदा कोई सत्कार नहीं। तो लास्ट शेर मैं सुनाना, काफी लंबी गजल है। अच्छा जी। ओ आने दा वादा करके हाले तिकर आया नहीं, ओ आने दा वादा करके हाले तिकर आया नहीं, सगुनू उड़ीक है उसदी जिस दे नाल कोई तकरार नहीं, सगुनू उड़ीक है उसदी जिस दे नाल कोई तकरार नहीं, तेरा दिल पौना दमंदर पत्थर दी दीवार नहीं। क्या बात, क्या बात है सरगुण साहब, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, बहुत वधिया तुसीं सुना के गए, थैंक यू जी, थैंक यू। बाकी ये भी जिहड़े साडे आंदे ना प्रोग्राम च, जिहड़े साडे कॉलर आंदे आ जां साडे जिहड़े राइटर वीर आंदे आ, कवि आंदे आ, गांदे भी सोहणा है। मैं कहा गांदे तां बहुत सोहणा, मतलब ओह हीरे ही है सारे। हां जी सही गल है, मैं कहा नाल दी आवाज भी उहनां दी काफी सोहणी। हां जी, तां जिहड़ा हुण गल कर रहे सी वफा दी भी है ना, ओह मैनूं भी बैठे बैठे बस दो लाइनां याद आ गईआं। कहिंदे वफा दी जंजीर तों डर लगदा है, वफा दी जंजीर तों डर लगदा है, कुछ अपने हथ कुछ अपनी तकदीर तों डर लगदा है, वफा दी जंजीर तों डर लगदा है, कुछ अपनी तकदीर तों डर लगदा है, जो मैनू ते तो जुदा करे, जो मैनू ते तो जुदा करे, अपने हाथ दी उस लकीर तों डर लगदा है। सो कहिंदे हुंदे ना कि जिहड़ी वफा भी है और प्यार मुहब्बत जो है, ये सब किस्मत नाल ही है। कई वारी थोनू ऐसी सब कुछ मिलता और मिल के भी कुछ नहीं मिलता। सही गल है, सही गल। हाँ, तुसी गल कर रहे सके फाइनैंशियल तौर पर, आप भी गल पूरी कर लीए। बस उ मैं गल करता सी जिंदा तकदीर दी तुसी हुण जे लफ्ज़ यूज़ किया, वाकई जी तकदीर आ जे वो है ना बेवफा हो जाए फिर बहुत कम खराब, फिर बहुत खराब होता है। पर तकदीर हमेशा ही वफा करती रहे तो फिर ही कहते होंगे कहते सीधे पासे आप देखो जी, जो उपर वाले की कहते नज़र सही है ना, सही है सब है। कुछ सही बस बस मेन यही है ना। तो बाकी जिते तक हूँ बेवफाई थोड़ा मैं उ गल करते कि सिर्फ प्यार मुहब्बत भी नहीं होंगी, क्योंकि जो तुम कोई बिजनेस करते हैं, जो मान लो तुम आप इन्ने होनहार नहीं है, चलो तुम कहने दो बंद आप रल के बिजनेस करते हैं, चलो राइट, पर उन्होंने जो पहलों होंगे बड़ा प्यार हों, वाकई, क्योंकि पार्टनरशिप एक तरह की यह जी चीज़ है कि जिंदा का विह कर लिया उ पर भी निभगी तो ठीक है, नहीं तो फिर तलाक तो होना ही होना। भी यही होंगे पार्टनरशिप के जी कि उदो फिर बेवफाई उत्थे आ जाती कड़ा जी वाक्य, पर जी बेवफाई फाइनैशियल तौर पर होंगी है, नहीं हाँ मैं उही गल कर रहा भी वह भी एक तरह हसबैंड वाइफ वाला रिश्ता हो जाता है। हाँ जी, क्योंकि जो तुम प्यार थोड़ा चल गया निभ गई तो फिर लॉन्ग टाइम आ, नहीं तो फिर तलाक तो होना ही होना है। रमी जी लगता कॉलर फिर आ गया, कॉल लै लीए। हाँ जी, सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी, कौन साहब बोल रहे जी? हाँ जी, रुपिंदर हुंदल जी, जी आया नू इटली वाले, की हाल चाल है? ਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਮੈਂ ਆਰ ਕੇ ਰਮੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਵਫਾ ਬੇਵਫਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਅਣਕਹੇ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਜੀ। ਇਰਸ਼ਾਦ ਜੀ, ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਜਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਜਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੂੰ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਹੋਰਾਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੂੰ ਹੱਸਦੀ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੰਝੂ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ।
तू सानू लारे लाउंदी रही असी सच समझ के जींदे रहे तू हसदी रही साडे हाल उत्ते असी फिर भी हंजू पींदे रहे तेरी हां विच हां मिलाउंदे रहे तेरी गल दा हुंगारा भरदे रहे तू मंगियां मुरादां होरां लई असी तेरे लिए दुआवां करदे मंगदे रहे। क्या बात है। तू जो भी साथों मंगदी रही असी मर के भी लियाउंदे रहे तू वादे करके भुल भी रही असी कीते बोल पगाउंदे रहे। क्या बात है। तू जो भी साथों मंगदी रही असी मर के भी लियाउंदे रहे तू वादे करके भुल भी रही असी कीते बोल पगाउंदे रहे। तेरे राही फुल विछाउण लई पब कंढियां उपर धरदे रहे तू मंगियां मुरादां होरां लई असी तेरे लिए दुआवां करदे रहे। क्या बात है, क्या बात है जी। तू पुछी कदी रुपिंदर नू तू पुछी कदी रुपिंदर नू जो समझे साडे दर्दां नू जदों हुसन है धोखा दे जांदा दुख सहने पैंदे मर्दां नू। तू पुछी कदी रुपिंदर नू जो समझे साडे दर्दां नू जदों हुसन है धोखा दे जांदा दुख सहने पैंदे मर्दां नू सब जान के तेरे बारे नी असी फिर भी पौंदे परदे रहे तू मंगियां मुरादां होरां लई असी तेरे लिए दुआवां करदे रहे तू सानू दुख देंदी रही असी हर हर दुख तेरा जरदे रहे तू मंगियां मुरादां होरां लई असी तेरे लिए दुआवां करदे रहे। सोहे सिंह जी मेरी अज दी रचना जिहड़ी तुहाडे नाल सांझी करके मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हाँ। आने वाले समय के फिर तुहाडे नाल सांझ पाऊंगा क्योंकि मैनूं पता समय की थोड़ी लिमिटेशन है मैं इन्ना ही तुहाडे कोल समां लैके खुशी महसूस कर रहा हाँ। रविंदर जी वाकई जदों भी आते हो एन वधिया चीज़ सुना के जाते हो तो नाले ये प्रोग्राम थोड़ा अपना है तुसी आओ जी सद के आओ तो अपना जी रचनावां लिखते हो उन्होंने बारे जरूर साढ़े दर्शकों साढ़े नाल साझी करिया करो। थैंक यू प्रोग्राम आने वाले समय के जे मेरा कॉल कितने अचीव होंगी रही तो मैं अपना जरूर साढ़े नाल साझी करूँगा। जरूर जी असं हमेशा थोड़ा कहते होंगे अखा बिछा के इंतजार करते भी तुम आ जाओ बस। बिल्कुल जी धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके रविंदर जी जी ने बसते रहो ये साढ़े वीर सी इटली तो रुपिंदर हुंदल जी देखो कितनी वधिया भी गल करके गए जो गल कर रहे थे मैंने एक शेर चेते आ गया कहिंदे क्योंकि इन्होंने यार की गल की यार दे नाल वफा की गल की है ना प्यार दे नाल चाहे वह उहदे लई बुराइयां ही मंगदी सी पर ये फिर भी उहदे लई दुआवां मंगदे रहे है ना। सो जो प्यार हुंदा फिर बंदा कहिंदा ना मैनूं चार लाइनां चेते आ गईआं कहिंदा लोकी रब दे आसरे जींदे ने असीं तेरे आसरे जी लैणा लोकी रब दे आसरे जींदे ने असी तेरे आसरे जी लैना साडा यार है सच्चे रब वर्गा असी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाके की लैना। सो जिथे प्यार हो जाए सच्चा उत्थे वाकई वो जिहड़ा प्यार है ना उत्थे रब वसदा हुंदा तो ये गल हो जाती है प्यार उत्थे वफा है जी उत्थे वफा और उत्थे ही रब वसदा साडी जिंदगी चार दिन की है ना चार दिन भी जो आप लड़ाई या झगड़े या गुस्से नफरत गुजारते वो फिर जिंदगी जिंदगी नहीं होता फिर एक कहते भी मौत ही है थोड़े लिए। हाँ जी सही गल तो आज हूँ तुम आज हूँ अपनी वफा वाली गल पूरी करो क्योंकि इस तो पहला कॉल आप आज भी आप गल फटफट नाल करी भी जाइए बस कॉल हो गई आप कॉल ले ही लीजिए। हाँ जी सत श्रीकाल जी सत श्रीकाल जी लगता कॉल ड्रॉप हो गई है। हेलो सत श्रीकाल जी सत श्रीकाल भाजी दोनों वीरां ने सत श्रीकाल बोलदी है ना जी सुंदर कॉल बोलदी ग्रेट वर्क। हां जी सत श्रीकाल भैन जी की हाल है ठीक हो तुसी। हां जी मैं ठीक हां प्रोग्राम देखदे हां करके सिग्नल कदे आउंदे कदे आउंदे आ हुंदा। अच्छा जी हां जी ते नाइट प्रोग्राम है साडा मैं भी देव पाई बन के आ के लिखण वास्ते। हां जी ते अगे लिखया सी देव पाई बारे है ना आजो सुनाओ सानू फिर। ठीक है तो मैं सुनानी है देव पाई तक घर तो लैके कंटी तक हैगी आ है ना। हां जी मैं बड़ा चंगा तो नहीं लिखदी माफ करना मैनू। नहीं नहीं कोई नहीं तुसी लिखो देखो हां इंसान सीख के तो पैदा नहीं ना हुंदा हौली हौली आपां सीखना हुंदा हमेशा सीखता रहिंदा आ तो तुसी लिखदे रहो बस साडे तां इही दुआ है तुसी वधिया लिखो ते लिखदे रहो बस। थैंक यू रब मेरे ने जदों वफा इंसान च पाई रब मेरे ने जदों वफा इंसान च पाई घर तो लैके देशां तक नाल ही आई बेवफाई। क्या बात है। देश मेरे विच किड्डे सादे चंगे लोग सी रहिंदे सादा जीवन सादा खाना सादा पहन के खुश सी रहिंदे कदे किसे नूं दुखी देख दे भज जाके मरपत करदे बाहरों आया एक सौदागर बैठ गया ओह पैर जमाई कच्चा माल को लुट लुट लै गया अपने देश च भर लई सरमाएदारी ते आपां बैठे हां जी
जान लगा बेवफाई कर गया, वखरे कर गया भाई भाई। एक काम वो ऐसा कर गया, कहिंदा लड़दे रहो तुसी भाई भाई, लड़ी चलो तुसी भाई भाई, भाई भाई, अंदर कामता कर गया बेवफाई। क्या बात है। माँ बाप का पुत प्यारा सदरा लाडा नाल सी पालिया, औखे हो पढ़ाया मापिया, खुशियां दा सी संसार बनाया। सुबह सवेरे बापू उठिया, माँ ने उठ के चाह बनाई। माँ प्यो बैठे गल्लां करदे, पुत कई दिनां तो घर नहीं आया। बैठे वो उड़ीकां करदे, दोहे दोहे फिकरां विच उन्हां नूं पाया दोहां। अचानक आवाज सी आई, हैलो बापू, हैलो माई, तुहानू दोहां नूं होवे लख लख बधाई, बधाई, देखो तुहाडी नूंह है आई, देखो तुहाडी नूंह है आई। क्या बात है, क्या। मां बाप देखते रह गए, पिंड विच हो गई सीरस पाई, की कहूगी रिश्तेदारी, सारे सुपने दिल विच रह गए, तक के पुत दी बेवफाई, तक के पुत दी ये बेवफाई। बेवफाई, क्या बात है भैन जी। भैन वीरां इक घर विच पलदे, रल के सारे खेडां करदे, कदी ने लड़दे कदी ने रोंदे, कदी एक दूजे लई खेड़ खेड़ कदी ने हसदे। माँ बापू जदों तुर जांदे, घर जमीन खातर ने लगदे, आ मेरी है आ मैं लैनी, गली मोहल्ले फुल फुहारदे। केड़ी वफा तू लगदी जसीए, घर विच बैठी बेवफाई, सुखां विच सब दोस्त हुंदे, दुखां दुखां विच सब दूर ने भजदे। वफा दा रिश्ता की बनाया, भज के वफा दे लोको, थां थां बैठी बेवफाई, थां बेवफाई, बेवफाई, क्या हर बात। थां ते बेवफाई खड़ी है। वफा दे नाल दो चीजां रब ने बनाइयां, दूसरी चीज तो उल्ट जरूर आ जाती, जिन्ना मर्जी कोशिश करो आपां, है ना। हाँ जी, हाँ जी, टाइम देने लई भी थैंक यू तुहाडा थैंक यू भैन जी, बहुत थोड़ा भी तुसी बहुत वधिया लिखिया। तुसी एवें कहने मैनूं लिखना नहीं आता, बहुत वधिया लिख रहे हो। बहुत। सो इदां लिखदे रहा करो ते साडे प्रोग्राम विच शिरकत करदे रहा करो। थैंक यू थैंक जी, यू भाजी, देखते हैं प्रोग्राम, देखते हैं नेक्स्ट वीक कुछ की कहते हैं। ओके है, थैंक ओके, यू जी, नाइस थैंक यू प्रोग्राम, वेरी बाय मच। बाय। सो देखो साडे भैन जी होणी भी बहुत वधिया कहिंदे, हाँ मैं जी, लिखदी नहीं, लेकिन किन्ना वधिया लिखिया उन्होंने जिंदगी नूं। बहुत वधिया गल्लां लिखदे आ, तो उत्थे मैनूं चेते आ गए, क्योंकि जदों असीं इंग्लैंड च आए सीगे ना, हाँ जी, तो उस वेले इस चीज़ की बहुत कमी सी। हाँ कदे जी, कदे प्रोग्राम आंदा हुंदा सीगा टीवी दे उत्ते, हाँ जी, हाँ जी, पर हुण देखा जाए तो आपां असीं अपने पंजाब दे नाल वफा कमा रहे हैं, इत्थे बैठे तुसीं भी कमा रहे हो, तो जिन्ने भी राइटर लिख रहे हैं, केटी भी कमा रहे हैं, कि पंजाबी बोली नूं तुसीं प्रमोट कितना कर रहे हो। हाँ जी, तो मैंने इतने बैठे नूं इदां लगता कि जिंदा मैं पंजाब च बैठा पंजाब हूं। च बैठा, आप बैठे ही पंजाब च हाँ इस जी, हाँ जी, वेले, क्योंकि साडे नाल क्योंकि जिहड़े जुड़े हुए हो सारे पंजाबी वीर ने। हाँ जी, हाँ जी, और क्योंकि यूके तो यह इस वेले टेलीकास्ट हो रही है, तो सारे इस वेले इटली तो भी लोग देख रहे हैं, बाकी सारे देख देखो रहे सारे हैं, पासे देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड च देखे जा रहे हाँ जी, हैं, हाँ है जी, ना, न्यूजीलैंड, तो ऑस्ट्रेलिया, सारे उही पासे। मैं देखता किन्नी वधिया तरीके दे नाल, कि एक टाइम हुंदा सी जदों कि यह मीडिया साडे मूहरे नहीं सीगा, हाँ जी, तो उस वेले असीं इस चीज़ नूं बड़ा मिस करते हुंदे सीगे। बाकी तो मीडिया ने साडे नाल वफा की हुण हाँ जी, हाँ जी, कलाकारां नाल भी, कि कलाकारां उन्हां नूं नाल मौका स्टेज दित्ता भी इत्थे तक असीं जा सकीए, हाँ है जी, हाँ जी, क्योंकि देखिए हम राइटर इन्ने थोड़े को वधिया वधिया आए हैं, हाँ जी, सारे बहुत वधिया लिखते हैं, पर एक बहुत वधिया, प्लेटफॉर्म नहीं सगा कि ये प्रोग्राम के उन्होंने प्लेटफॉर्म दिता, तो थोड़ा भी देखो जी धन्यवाद है जी। मैं कोशिश की है कि जिन्हें साढ़े जी, क्योंकि तुसी लोग हो ना जिहड़े राइटर साढ़े हो, जिन्हें भी कवि आ या लेखक आ, वो साढ़े एक साढ़ा खजाना है, साढ़े सभ्याचार जिन्हें सामभ के रखे है। जे असी थानू नहीं सामभ सकते, तो असी अपने सभ्याचार नहीं सामभ सकते। वो कहते ना, जिस कौम का इतिहास नहीं होता हाँ उस जी, कौम का नामो निशान नहीं होता। हाँ जी, सो सही, गल हो जाती, जिस कौम का इतिहास ही नहीं होना, फिर वह नामो निशान कितों होना ना। सही गल है, सो सही गल, तुसी वो चीज़ हो साढ़े लिए, साढ़े जिहड़े लेखक वीर ने जां राइटर जिहड़े है। बस मैं तो एक ही गुजारिश करदा कि वधिया लिखो, हाँ जी, जिन्ना वधिया लिख सकते हैं उही, तो क्योंकि थोड़े लिखे हुए बोल असी पढ़ते हैं, हाँ जी, सही है ना। गल है, सो सही जो गल, तुसी वधिया लिखोगे असी वधिया वधिया बना के खिलाओगे, सानू तो वधिया खावांगे, नहीं हाँ तो जी, फिर हाँ गल जी, तो खाना ही सही हुंदा, गल है, सही गल, ठीक है ना। हाँ जी, सो एक गल है, ते जिदा तुसी हुण गल कर रहे सी वफा दी, और भैन जी उन्होंने गल की जिंदगी च वफा बेवफा भी हुंदी है। मैनूं गल चेते आ गई, कहिंदे कुड़ी मुंडे दी गल सीगी, तां मुंडा कुड़ी नूं कहिंदा, कहिंदा वफा करने वाले वफा मत छोड़, दिल नाजुक चीज़ होती है। कुड़ी नूं कह रहा मुंडा, वफा करने वाले वफा मत छोड़, दिल नाजुक चीज़ होती है, शीशा तो फिर भी पत्थर की चोट से टूटता है, दिल को बेवफाई की थोड़ी चोट बहुत होती है। मोरे कुड़ी की जवाब दिंदी है, कुड़ी कहिंदी है, बेवफा कहने से पहले कुछ तो सोचा होता, बेवफा कहने से पहले कुछ तो सोचा होता, होती है कई मजबूरियां, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, क्या बात है है, ना। सो कई बार इंसान मजबूरियां भी होंदियां हैं, हाँ मानते जी, हैं हाँ असं इस गल, जी, हाँ और उस वेले इंसान बहुत कुछ सैक्रीफाइस करना पैंदा है। जी, हाँ जी, सो
जिंदगी है, जिंदगी अप्स एंड डाउनस तो आते ही है ना, सो ये तो चली जाना। होर तुसी की कहोगे? बस जी पूरा पंजाब वर्गा माहौल है जिहड़ा कि मैं जिंदा जिन्ने वधिया स्रोते साडे अपने हैगे आ वधिया वधिया अपने पोएट्री लैके आ रहे हैं ना, तो बिल्कुल पंजाब वर्गा माहौल बनिया हुआ। तो यह चीज़ा असं मिस करते होंगे किस टाइम के उत्ते, पर जिहड़ा थोड़ा प्रोग्राम मैं जिहड़ा जो देखता हुंदा कई बार अगे भी इदा किसी वेले तुसीं लाइव भी उह विच फोटो भी आउंदी हुंदी कईआं दी। हाँ जी हाँ जी, असीं ऑनलाइन भी करीदा क्योंकि असीं कोशिश कीती दायरे नूं बड़ा करन दी। चलो तुसीं हुण यूके च इत्थे रहिंदे हो, तुसीं साडे कोल आ सकदे हो, जिहड़े साडे राइटर भी आ यूके च नहीं ही रहिंदे और वो नहीं इत्थे आ सकदे, कई बार कई को वीज़ा नहीं हैगा आने का इत्थे, सो असी ये कोशिश करिए कि असी अपने दायरे नूं बधाया, के टीवी ने बधाया सी कहीए कि असी ऑनलाइन जिहड़े आ उह लै लईदे आ, तुसी बैठे घर हुंदे हो लेकिन सानूं साडे कोल ही हुंदे हो बिल्कुल, सो वह भी असी थैंक्स करदे के टीवी दा कि उन्होंने साडे लई इन्ना उपराला कीता कि इस मुकाम ते सानूं राइटरां नूं भी खुला एरिया मिल गया ताकि साडे नाल बैठ के गल कर सकन। हां जी बहुत वधिया गल है जी। हां जी जी, तुसीं इन्ने प्रमोट कर रहे हो पंजाबी नूं, प्रमोट कर रहे हां ते कवितावां जिहड़ियां कि उस टाइम ते आपां उस इक तरह खो गईआं सीगीआं, ते मुड़ के वी उहनां दा जाण के इत्थे यूके विच बैठे लोकी भी सारे इस पोएट्री नूं सुन रहे ने, ते बहुत वधिया गल है जी। चलो थैंक यू तुहाडा रमी भाजी। बाकी हुण असीं चाहुंदे तुसीं इक वधिया जिहा गीत सुणाओ सानूं पहलां। गीत गीत किस तरह का गीत सुनना चाहिए? कोई तरह दी जो तुसी लिखया है। हाँ जी थोड़े खजाने चो। हाँ जी, एक धियां उत्ते मैं गीत लिखया सीगा क्योंकि मैं उस तरह दे सीगा। विच बगाने देश नी माए, तू ते दिता भेज नी माए, विच बगाने देश नी माए, तू ते दिता भेज नी माए, अंदरों अंदरी टुट गईयां मैं होके चूरो चूर, क्यों हुंदियां ने मापियां कोलों धियां इक दिन दूर। क्या बात, क्यों हुंदियां ने मापियां कोलों धियां इक दिन दूर। सो ये गीत लिखा सी जी किसे टाइम दे उत्ते क्योंकि मैं जो जो थानू ओही गल करदा कि सानू पंजाब दे नाल मोह हुंदा सीगा, ते ये लिखा पहलो अपने ते सीगा, ओके फिर बाद विच इस नू फिर लेडीज दे उत्ते फिर लिखा गया मैं उहदे उत्ते। अच्छा, पर किसे वेले मैं अपनी फैमिली नू बहुत मिस करदा हुंदा सीगा। अच्छा, ते फिर आपां फैमिली ते साडी सैटल सद्दी आ, उस तों बाद मैं जदों गाण दा मैनूं टाइम मिलिया उस वेले मैं कहा हुण नहीं आपां हुण धियां दे उत्ते लिखदे आ। क्या बात है, इदां दा गीत सी। रमी जी बाकी थोड़े बैठ के गल करके बड़ा मजा आया है ना, थोड़ी जी आवाज़ है वो भी बड़ी वधिया लगी सानू, तुसी ने वधिया गीत लिखते हो। बाकी हुण तुहानू जिद्दां असीं गुजारिश की है भी अगे आने वाले समय च ये वफा ते बेवफाई ते जरूर लिखो कि तुसी हल तक इस टॉपिक नू टच नहीं कीता हैगा, सो मैं यही गुजारिश करूँगा जे तुसी भी हुण क्योंकि साडे को टाइम दी थानू पता पाबंदी बड़ी हुंदी है क्योंकि टाइम बहुत बलवान है, जे इस तो बिना आपां चल भी नहीं सकते, सो जे तुसी साडे दर्शकां नू कोई ये गल कहना चाहते हो, सस्किल बुलाना चाहते हो, फतेह कर लो। मैं तो यही कहना चाहना भी जिस तरह तुसी जिन्ने भी स्रोते इस वेले इस पंजाबी नू जवान नू तुसी प्रमोट एक तरह दा रख्या होया तुसी सारे इंदी इस तरह इस नू वधाओ, ते जिन्ने वधिया वधिया पोएट्री लिखो ते साडे प्रोग्राम दे विच साडे सरबजीत हुण जिन्हें कि एक बहुत वधिया उपराला किया आ थोड़े सारे प्रमोट करन दा ते पंजाबी नू प्रफुल्लित करन दा, ते बहुत वधिया तरीका है जी, ते इस तरह पंजाबी इस तरह जीती रहनी चाहिए आ, ते क्योंकि आपां लिखांगे नहीं जे कवितावां नहीं लिखांगे पंजाबी लिखांगे नहीं ते साडी जिहड़ी आने वाली जनरेशन नू किहदा पता लगेगा कि साडा। सो यही चाहना कि इस प्रोग्राम नू वध तों वध होर उत्साह मिले ते इंदे वधिया वधिया जिहड़े होर पोएट इत्थे आण ते इस तरह प्रोग्राम नू वधिया बणा। थैंक यू रमी भाजी, थोड़े अपने कीमती समय से टाइम कढ़ने दा साडे इस प्रोग्राम आने चा थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी थोड़ा। हाँ जी प्यारे दर्शकों, सो ए सी साडे रमी वीर जी, इन्हां ने वधिया अज साडे नाल गलबात कीती, ते जिस तरह मैं हमेशा दसदा भी साडा अगले हफ्ते दा जो टॉपिक है वह हमेशा दस के जाना हुंदा, सो अगले हफ्ते जो टॉपिक है वह हैगा राजनीति। राजनीति ते जरूर कोई ना कोई गल करियो साडे नाल, लिख लो पेन चक लो ते हुणी लिखण बैठ जाओ क्योंकि राजनीति बहुत वड्डा एरिया है और इहदे च कई गल्लां हो जाणियां है। सो हुण तुसी दो मैनूं इजाजत ते अगले हफ्ते तक, ते तुसी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपनी दुआवां च मैनूं याद रखना, रब रखा।